मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइव स्टार क्लासेस में। आज है 22 सितंबर और 22 सितंबर के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है बारी बारी से देखेंगे। तो आइए आज एक पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहाँ बनाया जाएगा। भारत में सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहाँ बनाया जाएगा, किस शहर में? तो ऑप्शन है नोएडा, मुंबई, जयपुर और कोलकाता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा नोएडा। नोएडा में भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाया जाएगा। तो नोएडा है किस राज्य में? तो नोएडा है यूपी में। और यूपी में है तो यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। और यूपी की राजधानी लखनऊ है तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी है। और वहाँ की राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो नंबर कि एनसीएल ने किस राज्य को 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। एनसीएल ने किस राज्य को 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और राजस्थान। तो आपका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य को एनसीएल ने 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो बात है यहाँ पर एनसीएल का, तो एनसीएल का फुल फॉर्म होता क्या है? तो नॉर्दर्न, एनसीएल का फुल फॉर्म होता है एन से होता है नॉर्दर्न और उसके बाद सी से होता है कोल फील्ड और एल से हो जाएगा आपका एलटीडी लिमिटेड। ठीक है, एनसीएल का मतलब नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो कंपनी है वो 5 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश राज्य को देने की घोषणा की है। आगे तीन नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है किस तिथि को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया हाल ही में, वो किस तिथि को मनाया गया? तो मनाया, तो आपका ऑप्शन है 21 सितंबर, 22 सितंबर, 19 सितंबर और 20 सितंबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 21 सितंबर। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है ये जो है 1981 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह मनाया जा रहा है। 1981 से ही 21 सितंबर को मनाया जा रहा है यह विश्व शांति दिवस। और विश्व शांति, इसका विषय वस्तु क्या है? विश्व शांति दिवस का आखिर विषय वस्तु क्या है? तो विषय वस्तु क्या है? तो सेपिंग, विषय वस्तु है सेपिंग पीस टू गेदर, सेपिंग पीस टू गेदर। इसका क्या है? थीम है, माने विषय वस्तु है। ठीक है, और उसके बाद आगे देखते हैं चार नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस अमेरिकी जस्टिस का निधन हो गया। तो आपका ऑप्शन है रूथ मार्केल, रूथ वेडर, मार्टिन जाहिदा, मार्गरेट पीस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा रूथ वेडर। रूथ वेडर जो है उन्हीं का हाल ही में निधन हो गया, वो अमेरिका के जस्टिस थी। तो जस्टिस पद पर जो थी रूथ बेडर, ये कितना वर्ष की थी? तो 87 वर्ष की थी। और यह जो है गिन्स वर्ग का जो उच्चतम न्यायालय है उसमें 27 वर्ष तक सबसे अधिक दिनों तक रही है यह जस्टिस। ठीक है, उसके बाद पांच नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला पेपर स्ट्रिप कोविड-19, भारत का पहला पेपर स्ट्रिप कोविड-19 टेस्ट शुरू हुआ, उसका नाम क्या है? भारत का पहला पेपर स्ट्रिप कोविड-19 टेस्ट शुरू हुआ तो उसका नाम क्या है? तो उसका ऑप्शन क्या है? सार्स-कोवी, फालूदा, सोविक और चक्रवर्ती। तो आपका आंसर हो जाएगा फेलुदा। फेलुदा नामक जो एक है पेपर स्ट्रिप कोविड-19 टेस्ट शुरू करने के लिए एक फेलुदा को बनाया गया। ये जो फेलुदा जो है तो इसे आखिर पेपर स्ट्रिप को लॉन्च कौन किया है, उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो उस व्यक्ति का नाम है सोविक मैत्री और देवज्योति। ये दोनों कहाँ के हैं? तो ये दोनों हैं बंगाल के हैं जिन्होंने यह फेलुदा नामक पेपर स्ट्रिप बनाया। यह जो, इससे क्या होगा कि कोविड 19
19 जांच होगा, जिसे एक मिनट में आपको पता चल जा सकता है कि आप कोविड पॉजिटिव है या कोविड निगेटिव है। बहुत ही सिंपल ये फेलुदा है पेपर स्ट्रिप। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को $250 मिलियन का सॉफ्ट लोन दिया है। भारत ने किस देश को $250 मिलियन सॉफ्ट लोन दिया है। आपका ऑप्शन है मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल। किसको दिया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मालदीव। मालदीव देश को भारत ने $250 मिलियन का सॉफ्ट लोन दिया है। इसी प्रकार से अब आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखें। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस कब मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस कब मनाया गया, 19 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर और 18 सितंबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 19 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया गया। यह जो है मनाया कहाँ गया, तो यह जो है जितने भी समुद्री तट है उसकी जो है स्वच्छता के लिए यह जो है हर साल 19 सितंबर को क्या होते मनाया जाता है कि कौन से समुद्र जो है स्वच्छ है, और जो समुद्र स्वच्छ रहता है वहीं पर ये क्या होता है मनाया जाता है। उसके बाद जो 19 सितंबर जो ये मनाया कब से आता है, तो ये मनाया जाता है 1986 से मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस। उसके बाद आगे 8 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। विश्व बैंक ने जारी किया है मानव पूंजी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो आपका ऑप्शन है 110, 91, 116 और 120। तो आपका आंसर हो जाएगा 116 स्थान पर हमारा दोस्त कौन सा है, भारत है। तो पहला स्थान पर कौन है, तो पहला स्थान पर है सिंगापुर। सेकंड नंबर पर कौन है, तो हांगकांग और चीन है। और तीसरा स्थान पर कौन सा देश है, तो तीसरा स्थान पर है जापान। और 116 नंबर पर है हमारा देश भारत। तो विश्व बैंक है, तो विश्व बैंक के अभी जो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो विश्व बैंक के तो कौन है, डेविड रॉबर्ट मैल विश्व बैंक के हैं। तो विश्व बैंक तो ये है कहाँ, विश्व बैंक है वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी कहाँ है, तो अमेरिका में है। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1945 में विश्व बैंक का स्थापना हुआ था। आगे है 9 नंबर क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को वैभव समिट का उद्घाटन करेंगे। ऑप्शन है 25 सितंबर, 26 सितंबर, 2 अक्टूबर और 5 अक्टूबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को वैभव समिट का उद्घाटन करेंगे। कौन करेंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पोषण अभियान से किस रोग को नियंत्रित करने के लिए आयुष WCD मंत्रालय ने समझौता किया है। ठीक है, तो आपका आंसर है कोविड 19 कुपोषण, कुष्ठ रोग और पोलियो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कुपोषण जो हो जाएगा वो आपका आंसर है कि पोषण अभियान से किस रोग को नियंत्रित करने के लिए आयुष WCD चलाया जाएगा, तो वो कौन सा है, कुपोषण। ठीक है, और WCD का फुल फॉर्म क्या है, वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, वह चाइल्ड डेवलप। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा कब से मनाया जा रहा है। तो ऑप्शन है 16 से 30 सितंबर, 20 से 25 सितंबर, 24 सितंबर से 2 अक्टूबर और 20 सितंबर से 30 सितंबर। तो आपका आंसर हो जाएगा 16 सितंबर से 30 सितंबर तक हमारा स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलेगा। ठीक है,
12 नंबर क्वेश्चन है कि किस कंपनी को सभी उत्पादों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन मिला, किस कंपनी को सभी उत्पाद के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन मिला। तो आपका ऑप्शन है HOCL, HOP, NTPC, BHEL, VEL और ONGC। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, HOCL। HOCL जो है को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने क्या किया है, सभी उत्पाद के लिए सर्टिफिकेशन दिया है। तो HOCL है तो इसका फुल फॉर्म क्या है, एच से क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान हो जाएगा, एच से हिंदुस्तान हो जाएगा, ओ से क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक हो जाएगा, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक हो जाएगा, सी है तो सी से क्या हो जाएगा, केमिकल हो जाएगा, और एल से क्या हो जाएगा, LTD लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड ये जो है। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारा चैनल जो है उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा जो नोटिफिकेशन है वीडियो का वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।